आसमान में किरमाना का हमला, ये इसी बात का संकेत कर रहा है कि हो ना हो किरमाना वापस आ गया है। ढोलकपुर पर हमला करने वाला है, हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। क्या तुम सब तैयार हो? हम तैयार हैं। कि हो ना हो किरमाना वापस आ चुका है और उसकी नजर अग्नि चक्र पर है। भीम, शुक्र है कि अब तक मेरे अलावा किसी को भी अग्नि चक्र के ठिकाने का पता नहीं है। वो तो मैं पता लगा लूंगा वर्मा। उनका नाम किरमाना है महाराज। अगर वो वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें अग्नि चक्र के ठिकाने के बारे में पता चल गया है। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा महाराज। टबोरा सही कह रहा है भीम। सेनापति, सैनिकों को इकट्ठा कीजिए। सैनिकों, हमारे पूर्वजों की धरोहर अग्नि चक्र पर खतरा मंडरा रहा है। हमें किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करनी होगी। सैनिकों की एक टोली भीम और उसके दोस्तों के साथ अग्नि चक्र की सुरक्षा के लिए रवाना होगी। क्या अंधेरा होने वाला है, हमें आज रात यहीं रुकना होगा। तुम भी आ जाओ टबोरा, यहाँ हम सबके लिए काफी जगह है। मेरे पेट में फिर से गुड़गुड़ हो रही है। तुम एक काम करो, तुम सब अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। कुछ पता चला टबोरा? यही कि प्रचंड ज्वालामुखी आने वाली पूर्णिमा की रात को ही जमीन के साथ ही ऊपर आएगा। अब बस सबके सोने का इंतजार है, फिर वो नक्शा भी हमारे हाथ लग जाएगा और फिर अग्नि चक्र हमारा होगा। तुम अपनी आंखें भले ही खुली रखो टबोरा, कान खुले मत रखना। के बजाय बिगुल जैसी आवाज कहां से आ रही है? बल की वजह से इन सब ने गोवा की काली धुन सुनी ही नहीं। सब ठीक तो है ना टबोरा? तुम कुछ घबराए से दिख रहे हो। एक अजीब सा जानवर हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। क्या? चलो दोस्तों। ये बार बार मेरे हाथ पे ही हमला क्यों कर रहा है? अब ना तुम मायांत्री को अग्नि चक्र तक पहुंचने से रोक पाओगे और ना ही मेरे भाई को वापस आने से।
चिंता तो मुझ पर छोड़ दो चुटकी। Keep pieces. अब उसे सच में नानी याद आएगी।
खुल जाओ प्लीज, खुल जाओ। चंदू चोर भाग रहा है, राजा महल में नहीं है। अगर ये चोर भाग गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी भीम। चोर हूँ, उल्लू नहीं। तुमसे लड़ता रहूँगा तो सिपाही आ जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मैं कड़ा लेने जरूर आऊंगा। मैं लौटूंगा। क्या हुआ भीम? किसी भालू या हाथी से लड़ाई हो गई? हाथी नहीं, एक चालाक चोर था। परेशानी की बात तो ये है कि वो चोर भाग गया। उसे किसी भी हालत में पकड़ना होगा। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। ये कल्लू कालिया का काला तेल है, जिसे लगाते ही तुम रॉकेट की तरह दौड़ने लगोगे। बाल बाल बच गए, नहीं तो मेरी कमर ही नहीं रहती। कहीं वो चोर मेरे हाथ से ना निकल जाए। खड़े होने में तकलीफ हो रही है, तो तुम उस चोर को पकड़ोगे कैसे भीम? मेरे पास उसकी एक कीमती चीज है, अब मैं चलता हूँ। अरे रे रे, क्या वक्त आ गया है, चोर को अपने सामान भी चोरी करना पड़ता है। छेड़ो मुझे, छेड़ो। खरीदना क्यों है? इसी महल को चुरा लो। अपना महल है, जब चाहे चले आना। अच्छा कड़ा है, ये तो मेरे हाथों के लिए ही बना है। घबराओ मत, मैं तुम्हें उठा लूंगा। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां है ये। वाह आह वाह 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 वाह। कैसे हो मेरे मित्र इंद्र वर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियाँ तो उससे भी बढ़िया है। थोड़ी और मिल सकती है क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियाँ ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे मजा कैसे है महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियाँ खाकर मन खुश हो गया। हाँ ठीक है इंद्र वर्मा, फिर मिलते हैं। अरे क्या खुशबू है। अब भीम जरा उधर से गुलाब जल तो देना। जरूर अच्छी परी।
मैं चलता हूँ। बाबा बाकी सब तो बाजार गए हैं। अरे राजू कालिया मैं ही भी। क्योंकि मैं कोई साधु बाबा नहीं भीम हूँ भीम। बुरी परी का जादू असर कर रहा है, हमें जल्दी से अच्छी परी के पास जाना चाहिए। ऐसे चलते रहे तो बहुत देर हो जाएगी। कालिया एक काम करते हैं, ये आधी दाढ़ी तुम पकड़ो और आधी मैं पकड़ता हूँ। अब चलते हैं। अच्छी परी, अच्छी परी, आप भी? अरे परी ये हुआ कैसे? मैंने हलवा बनाते समय भीम से गुलाब जल मांगा था, पर उसने गलती से मुझे ये पोषण दे दिया। हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा। उस सूप के लिए सिर्फ एक ही जरूरी चीज है जो मुझे याद है, अश्वगंधा के फूल। वो तो पास वाली पहाड़ी पर मिलेंगे। दोस्तों मैं फूल ढूंढ कर लाता हूँ, तब तक तुम लोग किताब ढूंढो। मिल गई किताब। जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आज मेरे पोते का जन्म हुआ है, सब मुंह मीठा करो। बधाई हो अम्मा, पर मिठाई का पहला भोग बाबा को जाना चाहिए। इस खुशी के अवसर पर आपको मेरे हाथों से एक लड्डू खाना होगा। नहीं नहीं, मैंने खा लिया बेटा। हाँ? खुशी के अवसर पर सिर्फ दो लड्डू कौन बांटता है? ये बाबा और अम्मा को क्या हो रहा है? बाबा बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो, आप ठीक तो हो ना? भीम, मुझे दूसरों की परेशानी देखकर बड़ा मजा आ रहा है, बुराई करने की इच्छा हो रही है। परी, मैंने लड्डू में उल्टा पुल्टा रस मिलाया था, ये बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा बना देता है। भीम, तुम्हें ये लड्डू खिलाकर मैं तुम्हें बुरा बनाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, लड्डू तुमने और बाबा ने खा लिए, तो अब बाबा बुरे बन गए और तुम अच्छी है? हाँ बेटा,
इसलिए मैंने तुम बच्चों को बचा लिया। चलो कुछ आतंक मचाओ। खतरनाक खुजली हो रही है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हाँ, उल्टा पुल्टा रस की बूंद बुरी परी पे गिर गई। अब वो और बुरी हो जाएगी। पानी में डुबकी लगा के जो ताजगी महसूस हुई थी सब चली गई। हाँ भीम, मैं तो पसीने में डूब रहा हूँ। इधर से। दोस्तों, हम रास्ता भटक गए हैं। लगता है वहाँ किसी का घर है। शायद उस घर के वासी हमें सही रास्ता बता पाए। सही कहा चुटकी। हम भी आ रहे हैं उस्ताद। हम आम क्यों छोड़े? चले। रुको दोस्तों। पिंजरे में जाओगे तुम सब फल चोर। लेकिन मुझे अपने दोस्तों को बचाने के लिए तुम्हें रोकना पड़ा। क्या तुम ठीक हो? बड़ा असुर को शोर बर्दाश्त नहीं होता। शोर से मेरे कान दुखते हैं। मुझे शांति चाहिए। भीम, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये जानबूझकर नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए सबको सुला रहा था। हाँ, बड़ा असुर,
एक जगह है जहां आपको कोई आवाज नहीं आएगी। यहां पास में एक टापू है जिस पर सिर्फ पत्थर हैं। इसलिए वहां ना इंसान न ही जानवर रहेंगे। वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मैं वहां जरूर जाऊंगा। मदद के लिए शुक्रिया बच्चों। और हाँ, ध्यान रखना टापू पे फिर से आम के पेड़ मत लगाना, नहीं तो कालिया वहाँ भी आ जाएगा। चुटकी, मुझे भेड़िया और तीन शुकर की कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों दोस्तों, तुम भी सुनना चाहते हो ना? सुनना चाहते हो? तो खुश हो जाओ क्योंकि सिर्फ सुनने को नहीं देखने को भी मिलेगी भेड़िया और तीन शुकर की कहानी। बात है ये बहुत पुरानी, एक घने जंगल में थी एक कुटिया पुरानी। भागो, भेड़िया भागो! क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? क्या खाक मजा आ रहा है, इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। चिंता मत करो दोस्तों, भेड़िया मानव जैसा कुछ नहीं होता। तुम सब अभी जाके बेफिक्र होकर सो जाओ। कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम चांद को ढक सकें। दोस्तों, जल्दी से आग के लिए लकड़ियां इकट्ठी करो। शाबाश बच्चे, शाबाश भी। नाटक और भेड़िये की हार दोनों जबरदस्त थे, शाबाश। मुझे आने में देरी हो गई, पर देखो मेरे आते ही तालियां बजने लगी। क्या बात है, चलो अच्छा है, सभी लोग मेरी कलाकारी अच्छी तरह से जानते हैं।
मस्त के लड्डू और मुफ्त की वाहवाही जहाँ भी मिलती हो वहाँ उस्ताद कतार में सबसे पहले होते हैं।